चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में नंबर सिस्टम में आप सभी को बताने वाले हैं कि शून्यों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। एकदम लॉजिकल तरीके से उठा कर देंगे, सीधे आपके ब्रेन में जाकर चिपक जाएगा, और इसी विश्वास के साथ आप वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक बताएंगे, क्योंकि बेसिक पता रहेगा तो फिर एक अलग फीलिंग आएगा मैथमेटिक्स में। जब मैथमेटिक्स में एक फीलिंग आना चालू हो जाए तो समझे कि दोस्तों मैथ के प्रति आपका अट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बने रहिए। देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम बेसिक में जो बता रहे हैं आराम से समझने की कोशिश करिए। अगर बेसिक चीजें आपके दिमाग में आ गई तो समझो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आप देखते देखते बना दोगे, देखते देखते एक क्वेश्चन आपके फिदा हो जाएगा और आप बता दोगे, सॉल्व कर दोगे। तो चलिए यहां पे जो बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, यहां पे सबसे पहले ये जानेंगे कि शून्य पैदा कब होता है, मतलब इसकी मम्मी और पापा कौन है, इसके बारे में जानेंगे। मेरे भाई अगर 2^1 × 5^1 ले ले, मतलब इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। हम आपसे सवाल करें 2^2 × 5^1 कितना होगा, नहीं सर 2^2 = 4 और 5^1 मतलब 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 मिलेगा। हम यहां पे कर ले 2^3 × 5^1 कर ले, कितना बनेगा, 2^3 का अर्थ 8 होता है और 8 में 5 से गुना करेंगे 40 बन जाएगा। मेरे भाई हम ऐसा करें 2^2 × 5^2 कर ले, थोड़ा ध्यान से, 2^2 = 4 होता है, 5^2 = 25 होता है। जब हम 4 में 25 से गुना करेंगे तो मेरे भाई सामने आउटपुट क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। हम ऐसे कर ले 2^3 × 5^3 कर ले। देखिए कहानी को समझते चलिए। तो मेरे भाई यहां पे आप देखिए 2^3 का अर्थ कितना होता है, 8। आप 5 का क्यूब मतलब 5^3 का अर्थ कितना होता है, 125। 125 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो मेरे भाई कितना मिलेगा, 1000 बनेगा। कितना बनेगा, 1000 बनेगा। अब एक बात को समझिएगा, एक बात हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो एक नंबर बताया ना, पूरी एनर्जी लगा दो इसको समझने में, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। देखिए यहां पे 2 और यहां पे 5 है, 2^1 है गुने 5^1 है, मतलब 2 और 5 दोनों का पावर सेम है और पावर कितना है, 1 है। पावर कितना है, 1 है, तो लास्ट में यहां पे कितना जीरो बना है, 1 जीरो बना है, 1 जीरो बना है। बात समझिए, दोनों का पावर सेम है, पावर 1 है, तो लास्ट में कितना जीरो बना है, 1 जीरो बना है। आप यहां पे देखिएगा 2 और 5 है, और यानी 2^2 × 5^1 है, और यहां पे देखिएगा 2 और 5 में सबसे कम घात किसका है, तो 5 का है, और 5 का जो घात है कितना है, 1 है। तो देखिए लास्ट में 1 जीरो मिला है, लास्ट में कितना जीरो मिला है, 1 जीरो मिला है। आप यहां पे देखिए 2^3 × 5^1 दोनों में देखिए किसका पावर कम है, इतना तो आप बता सकते हैं, दोनों में किसका पावर कम है, कहेंगे सर 5 की पावर कम है, 5 की पावर 1 है, 1 है, तो 5 की पावर 1 है, तो यानी देखिए यहां पे 1 जीरो मिला है। इन दोनों में देखिए कहीं सर दोनों का पावर टकरा गया, कपार फूट जाएगा इन दोनों का, नहीं फूटेगा, दोनों का पावर टकरा गया और दोनों सेम नंबर है और पावर में कितना है, 2, तो देखिए लास्ट में 2 जीरो बना है। और यहां पे देखिए 2^3 × 5^3 मेरे भाई दोनों का पावर सेम है और पावर 3 है, तो देखिए लास्ट में 3 जीरो बना है, 3 जीरो बना है। पहले इस बात को समझिए। जैसे एक और हम क्वेश्चन करें 2^4 × 5^2 कर ले, मेरे भाई एक बात बताइए लास्ट में कितना जीरो बनेगा, लास्ट में कितना जीरो बनेगा, तो कहेंगे सर यानी यहां पे 2 है और यहां पे 5 है, और यानी यहां पे 2^4 है गुने 5^2 यहां पे 2 है, तो 2^5 में सबसे कम घात देखेंगे, सबसे कम घात देखेंगे, देखिएगा यानी सबसे कम घात कितना है, 1, तो 1 जीरो बना था कि नहीं, तो इन दोनों में सबसे कम घात किसका है, 5 का है, और 5 का घात कितना है, 2 है, तो लास्ट में इसके 2 जीरो जरूर आएगा, इसके पहले अब यहां पे कोई नंबर आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, सर हम कैसे मान लें,
मत मानिए, हम गुना करके दिखा देते हैं मेरे भाई। यानी यहां पे इसका अर्थ कितना होता है 16 होता है ना जी, लड़ाई नहीं ना करेंगे। और यहां पे कितना हो जाएगा 25, गुना कर लीजिए, बढ़िया से ही गुना करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यानी 6 5 30 हार्सिल 3, 12 3 कितना होगा 15, गुने यहां पे कितना हो जाएगा 25, और यानी यहां पे 0, यहां पे 0, और यानी 5 5 10 की 0, हार्सिल 1, 3 1 कितना होगा 4, यानी कितना हो गया 400 हो गया, कितना हो गया 400। और यानी देखिए लास्ट में 2 शून्य मिला है कि नहीं, लास्ट में 2 शून्य मिला है कि नहीं। मैं ऐसे सवाल करूं कि 2 के पावर 4, 2 के पावर यहां पे 8 9 कर लूं, चाहे चलो 2 के पावर 10 कर लूं, और 5 के पावर यहां पे 20 कर लूं, कि अंत में, कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए, क्या बता सकते हैं, खटक देना। कहेंगे सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 और 5 में देखेंगे सबसे कम घात किसका है, तो सबसे कम घात किसका है 2 का है, और 2 का सबसे कम घात है आ कितना है 10 है, तो यानी अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा 10, बन गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात और बताइए, हम ले ले यहां पे 2 के पावर 20, आगुने ले ले 5 के पावर यहां पे 60 ले ले, कि अंत में, कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए, क्या बताने के लिए तैयार है। अरे करेंगे, क्या करेंगे, 2 और 5 को काफी ध्यान से देखेंगे और देखें किसका पावर कम है, किसका पावर कम है 2 का पावर कम है, और 2 के पावर कितना है 20 है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा 20 होगा, बन गया, बन गया। अब यहां से हम एक नोट लिखवाएंगे, इस बात को समझिए, नोट क्या लिखेंगे, यानी यहां पे देखिए नोट, नोट क्या लिखेंगे, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 2 और 5 के, शून्यों की संख्या 2 और 5 के न्यूनतम घातों पर, न्यूनतम घातों पर निर्भर करता है, 2 और 5 के न्यूनतम घातों पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि दोस्तों एक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, एक कंसेप्ट आपके दिमाग में जाकर बैठ गया होगा। आइए एक से खतरनाक क्वेश्चन बता रहे हैं, तब उधर चलेंगे, आप लोग देखते रहिए। देखिए यहां से इसको हटाते हैं, देखिएगा एक बात बताइए मेरे भाई ध्यान से, एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लें 8 के पावर 20 आगुने 25 के पावर 40 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, समझिए, समझिए। तो मेरे भाई 8 के लिए 2 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, कहें सर बिल्कुल, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, आप पावर में कितना है 20 है तो 20 आगुने 25 के लिए 5 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, और पावर में कितना है 40 है तो 40, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 20 60 आगुने ये 5 के पावर कितना हो जाएगा 40 2 के 80। अब बताइए इसको हम गुना करेंगे तो बताइए अंत में शून्यों की संख्या कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर बताने के लिए दोनों के पहले घात को गौर से देख लेंगे, देख लिए। अब यहां पे ये देखेंगे कि किस 2 और 5 में किसका पावर कम है, तो दोस्तों 2 के पावर कम है, 2 के पावर कम है, और कितना है 60 है, तो यही शून्यों को, यही शून्यों की संख्या हो जाएगा अंत में, शून्यों की संख्या यही होगा, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा जी 60, बन गया, बन गया, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और हम कराएं, यहां पे दे दे 8 के पावर 10, फिर दे दे यहां पे 25 के पावर 20, फिर हम आपको दे दे यानी 16 के पावर 20, और यानी हम फिर यहां पे दे दे 125 के पावर यानी यहां पे 40 के अंत में शून्यों की संख्या बताएं, बताइए क्या आप गर्दा उड़ा सकते हैं, क्या इस प्रॉब्लम का गर्दा उड़ सकता है, कहें सर बिल्कुल, 8 के लिए 2 के पावर 3 के पावर यानी यहां पे 10 गुने 25 के लिए 5 का स्क्वायर के पावर 20 गुने 16 के लिए 2 के पावर 4 के पावर 20 गुने 125 के लिए 5 के पावर 3 के पावर 40, तो मेरे भाई क्या होगा 2 के पावर 10 3 30 अगुने 5 के पावर 20 2 के 40 अगुने 2 के पावर 20 4 80 अगुने 5 के पावर कितना जी 40 3 120। अब एक बात बताइए,
एक यहां पे दो है, एक यहां पे दो है, बीच में गुना है, तो दो के पावर कितना होगा, यानी 80 30 कितना होता है 110, अगुने 5 के पावर कितना होगा 120, में जब हम 40 जोड़ देंगे तो 160 होगा। 2 और 5 में सबसे कम घात किसका है, 2 का है, और कितना घात है 110 है, तो शून्यों की संख्या कितना होगा 110 होगा, शून्यों की संख्या कितना होगा 110 होगा। मुझे लगता है कि दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मतलब अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा 110 होगा। कहेंगे सर समझ में आ रहा है, अब देखिए थोड़ा और ले चलते एडवांस की तरफ, तो देखिए यहां पे और मजा आएगा, एकदम डुबा देंगे पहले वीडियो पर बंद कर। देखिए यहां पे हम दे दे 10 के पावर 20 और 20 के पावर 30 और 30 के पावर 40 और 40 के पावर 50 दे दें, कि अंत में शून्यों की संख्या बतानी है, अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। मेरे भाई एकदम दिमाग स्थिर कर लीजिए, बनाएंगे दिल खोलकर बनाएंगे। 10 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 × 5 कि ओवरऑल के पावर 20, 20 के लिए क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5, अरे 2 का स्क्वायर 4 × 5 20 हो जाएगा, पावर 30। 30 के लिए क्या लिखेंगे 2 × 3 × 5 के पावर 40, इसको हटा देते हैं, इतना ही देखते हैं, खाली कॉन्सेप्ट आपको बतानी है। अब यहां पे देखिए मेरे भाई एक कितना होगा 2 के पावर 20 अगुने 5 के पावर 20 अगुने ये 2 के पावर 60 अगुने 5 के पावर 30 अगुने 2 के पावर 40 अगुने, देखिए 3 को नहीं लेना है, 3 से कोई मतलब नहीं, 2 5 से मतलब है, यही आपको बतानी थी, और यहां पे 5 के पावर 40। तो मेरे भाई 2 को 1 साथ 5 को 1 साथ कर लेंगे, 1 2 यहां पे 1 2 यहां पे 1 2 यहां पे, तो 2 के पावर कितना होगा 40 60 100 100 में 20 जोड़ देंगे 120 गुने 5 के पावर, यानी 5 यहां पे यहां पे यहां पे, तो ये 20 30 50, अब 50 40 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 2 और 5 में देखिए सबसे कम घात किसका है, सबसे कम घात 5 का है भैया, 5 का है, और इसके पावर कितना है 90, तो अंत में शून्यों की संख्या 90 हो जाएगा, अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा 90, और ये बन गया। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए और बता रहे हैं, देखते रहिए और भी बता रहे हैं, देखो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं ले लूं 16 के पावर 10 और 32 के पावर 20 और यानी यहां पे 25 के पावर 10 अगुणे यहां पे ऐसा कर लूं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ऐसे करते हैं 25 के पावर 10 गुणे 125 के पावर 20 अगुणे 100 के अंत में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। सोचिए कैसे बनेगा, शून्यों की संख्या बतानी है मेरे दोस्त, कैसे इसको बना पाएंगे। यहां पे देखिए इसके लिए 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, पावर 10 है तो 10, इसके 5 का क्यूब कर सकते हैं, पावर 20 है तो 20, इसके लिए हम 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। कहें सर अब तो बना लेंगे, अब यहां से तो आप छोड़ दीजिए, बना लेंगे ना, बिल्कुल बना लेंगे। तो चलिए यहां से इसको हटा देते हैं, आप बना लेंगे, अभी काम करते हैं मेरे भाई। देखिए यहां से एक चीज और बेहतर तरीके से आपको बताने वाले हैं, और तब कैसे शॉर्टली बनाएंगे ये भी बात आपको समझाने वाले हैं। अभी तक अगर हम निष्कर्ष पूछे तब क्या बताएंगे, जैसे हम यहां पे ले ले 2 के पावर 20 अगुने 5 के पावर 40, तो हम अंत में शून्यों की संख्या बतानी होती है, तो 2 और 5 को ध्यान से देखते हैं, इसके पावर को देखते हैं, और न्यूनतम पावर वाला शून्यों की संख्या बन जाता है, न्यूनतम पावर वाला शून्यों की संख्या बनता है। तो हम यहां पे शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। ये बात अपनी खोपड़ी में डाल लीजिए, तब इसमें आपको फील आ पाएगा और आप फील कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं, देखिए
देखिए दो तरीके से बताएंगे इस बात को समझिएगा। एक गुने दो गुने तीन गुने डॉट डॉट गुने सौ, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बात बताइए, यहां पे दो है, एक यहां से दो मिल जाएगा। अरे भैया दो गुने एक दो मिल जाएगा कि नहीं, बात को समझिए। एकदम भेजा में उतारेंगे, भेजा में उतारेंगे, इस बात को याद रखिए। थोड़ा लिखते हैं और इसको बढ़िया से, एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पांच गुने छह गुने डॉट डॉट गुने सौ, बात को समझिए। एकदम लॉजिकल शुरुआती दौर में बताए, लॉजिकल तरीके से बताएंगे, पहले वीडियो को देख कर जाइएगा। यहां से दो मिलेगा दो गुने एक, यहां से देखिए दो दो मिल जाएगा, दो दो मिल जाएगा, यहां से दो गुने तीन एक दो मिल जाएगा, फिर यहां पर सात गुने आठ, यहां पे देखिए दो गुने दो गुने दो, यहां पे दो तीन मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, एक बात आप ही बताइएगा कि एक से लेकर सौ तक के गुना में दो अगर देखा जाए, दो कितने बार आया, तो दो बहुत बार आएगा, बहुत बार। आप सोचिए ना, फिर आपको दस में दो मिलेगा, फिर आपको बारह में दो मिलेगा, चौदह में दो मिलेगा, हर सम संख्या में आपको दो मिलेगा, दो से अधिक भी मिलेगा सम संख्या में, फैक्टर के रूप में, बात को समझिएगा। मतलब दो के पावर यहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत यहां पे बरसात होने वाला है, बरसात होने वाला है, पावर का बरसात होने वाला है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताइए, अगर इसमें देखा जाए, देखा जाए, बात को समझिए मेरे भाई कि पांच कितने बार मिलेगा, तो पांच किस में मिल सकता है, एक से लेकर सौ तक में पांच किस में मिलेगा, क्योंकि सर पांच में मिलेगा, दस में मिलेगा, बात को समझिएगा, पंद्रह में पांच मिलेगा, बीस में मिलेगा, पच्चीस में मिलेगा, तीस में मिलेगा, पैंतीस में मिलेगा, चालीस में मिलेगा, पैंतालीस में मिलेगा, पचास में मिलेगा, और यहां पे पचपन में मिलेगा, साठ में मिलेगा, पैंसठ में मिलेगा, सत्तर में मिलेगा, पचहत्तर में मिलेगा, अस्सी में मिलेगा, पचासी में मिलेगा, नब्बे में मिलेगा, पंचानवे में मिलेगा, सौ में मिलेगा, सौ में मिलेगा। अब एक बात बताइए, यानी ध्यान यहां से हटनी नहीं चाहिए, कंसेप्ट को बता रहे हैं, समझिए। इतना बढ़िया कंसेप्ट आपको कोई नहीं बता सकता है, मतलब ऐसा ईगो के साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन सच बता रहे हैं मेरे भाई, विश्वास करिए मेरे पे। देखिएगा ये जो पांच है, एक तो पांच यहां पे मिल गया ऊपरे करे का जी, ऊपरे करे का, ऊपरे करे का एक पांच यहां से, इसमें जो दस होता है पांच गुने दो होता है, एक पांच यहां से मिलेगा, पंद्रह पांच गुने तीन एक पांच यहां से मिल जाएगा, बीस पांच गुने चार पांच गुने दो का स्क्वायर चलेगा ना, एक पांच यहां से मिलेगा, और पच्चीस पांच गुने पांच यहां पे दो पांच मिल जाएगा मेरे भाई, कितना पांच मिलेगा दो, ए तीस यहां से एक पांच मिलेगा, पैंतीस यहां से पांच गुने सात एक यहां से पांच मिलेगा, चालीस एक यहां से पांच मिलेगा, पैंतालीस एक यहां से पांच मिलेगा, पचास एक यहां से पांच मिलेगा, पचपन एक यहां से पांच मिलेगा, साठ जैसे साठ को तोड़ेंगे तो देखिए दो तीस दो पंद्रह तीन पांच एक यहां से आपको पांच मिलेगा, एक यहां से पांच मिलेगा, पैंसठ एक यहां से आपको पांच मिलेगा, सत्तर सत्तर को तोड़ेंगे एक यहां से आपको पांच मिलेगा, सत्तर से पचहत्तर देखिए पचहत्तर में कितना पांच आएगा देख लेते हैं, तीन से भाग देंगे पच्चीस, पांच पांच यानी दो पांच यहां पर मिल जाएगा पचहत्तर से, अस्सी 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 इसमें देखिए कितने पांच आ रहे हैं, दो चालीस दो बीस दो दस एक पांच मिलेगा, पचासी एक पांच मिलेगा, नब्बे नब्बे में कितना होगा जी, नब्बे में दो से भाग देंगे पैंतालीस, तीन से भाग देंगे पंद्रह एक पांच मिल जाएगा, पंचानवे में एक पांच मिलेगा, सौ में कितना दो पांच मिलेगा, काउंट करिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस, एक कहीं और छूट गया है, एक कहीं और काउंट करने में छोड़ दिए हैं, कौन छूटा है जी, निकलो तो जरा मेरे भाई, एक कहीं पांच और छूट गया है, आप कर कर देख सकते हैं, जैसे हमने निकालने का तरीका बताया ना, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं कर रहा हूं क्या दिक्कत है, कहेंगे सर देह चुरा रहे हैं, पढ़ाने चल दिए हैं, देह चुरा रहे पढ़ाने चल दिए हैं,
तो देखो भाई हम काहे कि अपने ऊपर पर पाप चढ़ाए हैं, बताइए करेंगे। एक पांच एक पांच एक पांच एक पांच, दो पांच एक पांच, पैंतीस, पांच गुने सात चालीस, चालीस से कर लेते दो बीस, दो दस, दो पांच, ठीक है, पैंतालीस, पैंतालीस तीन पंद्रह, तीन पांच पैंतालीस, पचास, दो पच्चीस, पांच पांच, पचास पचास पचास, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ठीक है, पांच गुने पांच आपका चौबीस को पांच है। मतलब देखिए दो के पावर हम पूछे ना, दो के पावर इसमें दो कितना हुआ, कहेंगे सर दो तो बहुत बार होगा, दो तो एकदम समझिए कि बारिश हो जाएगा, बहुत बार होगा मतलब चौबीस से अधिक बार होगा, गुने पांच के पावर कितना, पांच कितने बार आएगा, चौबीस बार, आई चौबीस बार से अधिक है, ये देखिए चौबीस बार से अधिक है। अब बताइए, अब बताइए शून्यों की संख्या पूछे, यानी दो के पावर बार सात मतलब चौबीस यहां पे अधिक है, अगुने पांच के पावर चौबीस, पांच के पावर चौबीस। अब एक बात बताइए, दोनों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और देखिए दोनों में सबसे कम घात किसका है, पांच का है, और पांच का घात कितना है, चौबीस। तो अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितना होगा मेरे भाई, चौबीस। कहेंगे सर आपने तो बता दिए चौबीस, लेकिन एक बात बताइए, अगर यही क्वेश्चन पेपर में दे देता एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने डॉट डॉट एक हजार तक, क्या ऐसे करते बुखार लग जाएगा कि नहीं, मतलब फिर आप सही काम नहीं करें, सही काम किए हैं खाली कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे आइए बता रहे हैं, देखते रहिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे आइए बता रहे हैं मेरे भाई, आराम से देखिए, आराम से देखिए कैसे बनाएंगे। ये लगातार है ना, लास्ट में कितना है सौ, तो सौ में हम पांच से भाग देंगे, किसे भाग देंगे पांच से, कितने बार में जाएगा बीस बार में जाएगा, और फिर ये बीस में हम पांच से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा चार बार में, और चार बटा पांच करें तो हम चार में पांच से भाग नहीं दे सकते हैं, और इसको जोड़ देंगे बीस प्लस चार कितना हो जाएगा चौबीस बन गया। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बना सकते हैं, सोचिए क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहें सर एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने डॉट डॉट सौ है, यहां पे एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने डॉट डॉट कितना है पांच सौ है, पांच सौ है लगातार है पांच सौ बार, तो देखिए पांच सौ में हम दो नंबर बना रहे हैं पांच से भाग देंगे कितना आएगा सौ बार में, अब इसी को सौ में पांच से भाग देंगे तो कितना आएगा बीस, फिर बीस में हम पांच से भाग देंगे तो कितना होगा चार, अब चार में पांच से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, अब इसको जोड़ लेंगे तो मेरे भाई सौ आप प्लस कितना चौबीस कितना होगा एक सौ चौबीस बन गया। मुझे लगता है कि दोस्तों अब आप तीन नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बताइए, तीन नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि नहीं बताइए तो मेरे भाई, तीन नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए खतरनाक क्वेश्चन चार नंबर कहता है एक गुने तीन गुने पांच गुने सात गुने डॉट डॉट संतानवे गुने निन्यानवे के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, अरे शून्य पैदा कब लेता है जब हम पांच में किसी सम संख्या से गुना करें, अका इसके सीरीज में कहीं पर भी आपको दो आपको दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, यानी यहां से यहां तक आप लिखते चले जाइए दो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए यानी शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा, इसका शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए यही तो हाल यहां पर होगा, यानी यहां से यहां तक अगर देखा जाए इसको कैसे बनाएगी, यहां से यहां तक देखिए तो पांच के पावर बहुत बार, पांच तो आपको बहुत बार मिल जाएगा, पांच का घात तो बहुत अधिक होगा, अरे एक गुने तीन गुने पांच गुने नौ से निन्यानवे तक लिखे तो पांच के जो पावर आएगा बहुत अधिक आएगा, और 128 के लिए दो के पावर सात लिख सकते हैं क्या, अरे जो यहां पर पावर आएगा ना सात से अधिक आएगा, आप खोपड़ी चला कर देखिए और बताइए अंत में शून्यों की संख्या, तो दोनों में घात किसका होगा दो का घात कितना है सात, तो आंसर कितना हो जाएगा सात हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए छह नंबर, कहेंगे सर ये तो लगातार नहीं है, दो गुने चार गुने छह गुने आठ गुने डॉट डॉट तीस, अगर लगातार होगा तो तीस होता आ एक एक छुड़कर है तो पंद्रह कितना होगा पंद्रह, तो यानी पंद्रह में हम पांच से भाग देंगे तीन,
तीन में पांच से भाग नहीं जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, बन गया, कुछ नहीं है। अब आइए हम बताने चल रहे हैं सात नंबर। सात बता देंगे तो आठ आपको बना लेना होगा, फिर आपको नौ बना लेना होगा, दस बना लेना होगा, बना सकते हैं। देखिए सात नंबर में है ए का स्क्वायर गुने दू का स्क्वायर गुने डॉट डॉट गुने बीस का स्क्वायर। अरे भैया डरना नहीं है, पावर का झमेला भी छोड़ दो, ये 20 है तो 20 में 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4, 4 में 5 से भाग देंगे नहीं जाएगा। ये जो 4 आया है आप पावर कितना है, दो दो है ना, सेम है ना, तो एक पावर से गुना कर देंगे, 4 गुना कितना होगा 8, बन गया। कहीं सर ये तो बना सकते हैं, आंसर में 3 से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं। 200 फैक्टोरियल को देकर आप डरिए मत, 200 फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, एक गुने दो गुने तीन गुने डॉट डॉट गुने 200, बताइए यही ना आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा सकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों कैसा आपको क्लास लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।